आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की, और चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी, और इसका पहला टॉपिक है चालक, कुचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ठोसों को ऊर्जा बैंड के आधार पर निम्न तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। क्लियर। पहला है कुचालक, जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में यह जो संयोजकता बैंड होता है और जो चालक बैंड होता है, इसके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। बात आती है कि संयोजकता बैंड क्या होता है और चालन बैंड क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना आप कि किसी परमाणु में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो उसकी नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं, वो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। इसके विपरीत किसी परमाणु में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो उसकी नाभिक से लगभग फ्री रहते हैं, मतलब 100% भी फ्री नहीं, लगभग फ्री, कुछ तो 100% फ्री होते हैं, कुछ लगभग फ्री होते हैं, जो लगभग या 100% फ्री होते हैं नाभिक से, वो चालन बैंड में माने जाते हैं। जब ऐसे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ, इसके स्पष्ट रूप से मैंने ये लिखा है कि आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। ये आसानी से शब्द यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो रबड़ में भी करंट बह जाता है। ज़बरदस्ती का मतलब उसको पीटने काटने से नहीं है, ज़बरदस्ती का मतलब है कि जब हम इस पर हाई वोल्टेज आरोपित करते हैं तो हाई वोल्टेज लगाने पर रबड़ में, प्लास्टिक में भी करंट फ्लो हो जाता है। इसलिए ये वर्ड लिखना यहाँ अति आवश्यक है कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, अभ्रक, मोम इत्यादि। अग देखिए, अब कुचालकों में संयोजकता बैंड भरा होता है जबकि चालन बैंड रिक्त होता है। जो कुचालक होते हैं उनमें ये जो संयोजकता बैंड है वो तो पूर्णतया भरा रहता है, लेकिन चालन बैंड क्या होता है, रिक्त होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक रबड़ में सबके सब इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक से फ्री नहीं रहता, इसलिए चालन बैंड वाला जो कॉलम है ये बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक से मुक्त नहीं रहता है। इसलिए ये बात कही है कि कुचालकों में संयोजकता बैंड भरा होता है, ये वाला बैंड तो भरा होता है, जबकि चालन बैंड रिक्त होता है, जबकि जो चालन बैंड है ये रिक्त होता है। कुचालकों में इन बैंडों के मध्य ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये बात मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दी थी कि इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो वास्तव में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे देखिए, अब सामान्य ताप पर तथा उच्च ताप पर भी कुचालकों के चालन बैंड में नगण्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब सामान्य ताप पर तो नगण्य इलेक्ट्रॉन, नगण्य का मतलब हो सकता है कि 2-4 इलेक्ट्रॉन हों फ्री, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत करंट प्रवाहित होने में उन 2-4 इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट प्रवाहित नहीं हो पाती। या उच्च ताप कर दे, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप थोड़ा गर्म भी कर दो तो भी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, या यूं कह दूं मैं कि चालन बैंड में नगण्य इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रहते हैं। ये बात आपको याद रखने की है कि कुचालकों की चालकता बहुत कम, 10^-12 से 10^-18 महो प्रति मीटर की कोटि की होती है। ये बात आपको याद करनी है कि कुचालकों की जो चालकता है वो बहुत कम होती है, 10^-12 से 10^-18 महो प्रति मीटर की कोटि की होती है, जबकि प्रतिरोधकता बहुत अधिक, 10^12 से 10^18 ओम गुणा मीटर की कोटि की होती है। क्लियर। ये दोनों आंकड़े देखो, 12 का 12, 18 का 18, सेम टू सेम है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये चक्कर है, इसको आप याद रखें। देखो, माइनस वाला क्या है, बहुत कम होता है, तो चालकता बहुत कम वाली रहेगी, और
प्रतिरोधकता बहुत अधिक वाली रहेगी। कुचालकों का अगली बात इसी में आ रही है, कुचालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसको कैसे याद रखोगे कि जब कुचालक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है या कम होती है, और अगर किसी की प्रतिरोधकता कम होती है तो उसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है चालन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो चालक कहलाते हैं, जैसे समस्त धातुएं। और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ संयोजकता बैंड और चालक में चालन बैंड जो होता है सुचालकों के लिए, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो जीरो होता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि चालक बैंड और संयोजकता जो बैंड है ये एक दूसरे से यहाँ पर मिले हुए रहते हैं, या यूं कह दूं हल्की सी एनर्जी लगाते ही जो नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन तो वो भी फ्री होकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा अंतराल की वैल्यू जीरो है। तो देखिएगा, चालकों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित रहते हैं, ये दोनों आपस में मिले रहते हैं। चालकों के चालन बैंड में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये चालन बैंड होता है इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तभी इनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। चालकों की चालकता अत्यधिक 10^6 से 10^8 महो प्रति मीटर की कोटि की होती है। इसकी जो चालकता होती है वो 10^6 से 8 महो प्रति मीटर की होती है। इनकी प्रतिरोधकता अत्यल्प 10^-8 से 10^-6 ओम गुणा मीटर की कोटि की होती है। आगे की बात समझ में आपको कि चालकता तो इसकी वो क्यों, देखो आंकड़े सेम है, वो 6^6, 8^-8, बस प्लस माइनस का चक्कर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उस पोजिशन में उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चालकों में विद्युत चालन केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। क्लियर, मतलब इसमें होल वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता समस्त धातुओं में, तो इसके अंदर जो विद्युत चालन होता है या विद्युत धारा बहती है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक, या यूं कहूं मैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए, अर्धचालक के लिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 eV की कोटि का होता है। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती हो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम GE, सिलिकन SI, मिश्र धातु गैलियम आर्सेनाइड GaAs इत्यादि। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 eV होता है। क्लियर, ये बात मैं लिख भी रखा था, साथ में ये आंकड़े आप जरूर याद रखें कि जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.72 eV होती है, जबकि सिलिकन के लिए 1.1 eV होती है, और GaAs गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये 1.3 eV होती है। ये तीनों आंकड़े याद करने के, सिलिकन का 1.1 है, जर्मेनियम का 0.72 है, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.3 eV है। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप का मतलब 0 केल्विन होता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक के सभी इलेक्ट्रॉन उनकी नाभिक के साथ बंधे रहते हैं। क्लियर, जब हम अर्धचालक को 0 केल्विन पे कर देते हैं तो इसके सबके सब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी नाभिक के साथ बंध जाते हैं, इसलिए इस ताप पर इनकी चालकता 0 होती है। इसकी चालकता क्या होती है, 0 होती है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर कुछ संयोजकता बैंड टूट जाते हैं। क्लियर, ताप बढ़ाएंगे तो जो संयोजकता बैंड टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्लियर, मतलब देखो कुचालक का भी ऋणात्मक, अर्धचालक का भी ऋणात्मक, और केवल चालकों का धनात्मक है। और इसका एग्जाम्पल सिलिकन जर्मेनियम आपको पहले बताया दिया था मैंने, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि कार्बनिक अर्धचालक के उदाहरण बताओ, तो आपको उत्तर लिखना है मादित थैलोशियानिस और एंथ्रासिन। ये 2 एग्जाम्पल हैं, वो आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये 1 नंबर का सवाल पूछा गया और लड़के उत्तर लिख के आए सिलिकन और जर्मेनियम, जो गलत था। अगर कार्बनिक अर्धचालक का सवाल आता है तो फिर आपको ये 2 एग्जाम्पल ही लिखने, और सिंपल कह दे कि अर्धचालक के 2 उदाहरण बताओ, तो आप सिलिकन जर्मेनियम भी लिख सकते हो।
इस प्रकार हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।